सो हम जेल गए, जेल में जो है 16 महीने हम जेल में रहे। वहाँ पे जो जेल में 16 महीने रहने के बाद हम MIM के लिए बराबर जो है 16 महीने तक हमने काम किया। हम जेल के अंदर जो है 16 महीने बराबर अपने जो है ताकत से मेहनत से MIM के लिए हमने जो है काम किया जेल के अंदर रह के। जेल के अंदर भी काम किया जी, सब लोग नगर का था जो जेल के अंदर हमने 16 महीने में उन लोगों के ऊपर मेहनत की। आज वही आदमी दूसरे के ऊपर मेहनत कर रहे हैं हमारी MIM पार्टी को बढ़ाने के लिए, वो लोग भी जो है अपना अपने खून पसीना जो है बहा रहे हैं। हम बाराबंकी में हैं और अभी ओवैसी साहब की जनसभा थी, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर भाषण दिया। मेरे साथ अबू हुसैफा नाम के AIMIM के कार्यकर्ता हैं। इनकी एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है जो जैसे AIMIM इस बाराबंकी में लेके आए और जिस तरीके से इन्होंने काम किया वो स्टोरी हमने सोचा कि रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो हुसैफा भाई, वो क्या स्टोरी थी हम सुनना चाहते हैं। हम पहले समाजवादी पार्टी में थे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यूट्यूब पे देख देख के हमको लगा कि बैरिस्टर साहब कुछ नया और अच्छा करने वाले हैं। इस वजह से जो है हम समाजवादी छोड़ के MIM पार्टी जो है ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के 3 दिन के बाद हमको समाजवादी पार्टी वाले हमको जो है धमकाए डराए और समझाने लगे कि वापस आ जाओ और इस पार्टी को जो है इस पार्टी में नहीं जाना और ना इस पार्टी को जो है फैलने देना है। हमने उन लोगों का विरोध किया कि ये तुम लोग जो है गलत बोल रहे हो। उन लोगों ने जो है हमको फंसवा दिया फर्जी में मुकदमे में। हम थाने में गए, थाने में हमको जो है पुलिस वाले भी बोले कि इन लोगों की बात मान जाओ और जो है समाजवादी में चले जाओ, तुम लोगों को तुमको यहाँ से छोड़ देंगे। हमने कहा नहीं, हम मजलिस के जो है दीवाने और मजलिस इसी को पकड़ के चलेंगे और इसी के ऊपर विचारधारा के ऊपर काम करेंगे। SO साहब ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारा जो है आधा किलो मॉर्फिन में चालान कर दिया। सो हम जेल गए, जेल में जो है 16 महीने हम जेल में रहे। वहाँ पे जो जेल में 16 महीने रहने के बाद हम MIM के लिए बराबर जो है 16 महीने तक हमने काम किया। हमारी लड़की 9 दिन की थी, हमारे समाजवादी पार्टी के जो लोग मेंबरान थे उन लोगों को थोड़ा भी रहम नहीं आया। हमारी शादी को 14 महीने हुए थे लेकिन उन लोगों को रहम नहीं आया। उसके बाद हम जेल के अंदर जो है 16 महीने बराबर अपने जो है ताकत से मेहनत से MIM के लिए हमने जो है काम किया जेल के अंदर रह के। जेल के अंदर भी काम किया जी, सब लोग तो जो है आम आवाम में करते हैं, आपने जेल के अंदर करा काम। अब जब हमको सरकार उठा के भाई वहाँ भेज दी, समाजवादी पार्टी वालों ने वहाँ भेज दिया, तो भाई वहाँ भी तो पब्लिक है, हमें पब्लिक को ही तो जगाना है और इंशाल्लाह जो है हमारी पब्लिक 2022 में थप्पड़ मारेगी। जेल के अंदर जो काम किया आपने जी, और जिन लोगों को आपने बताया MIM के बारे में जी जी, तो वो लोग जो जेल के बाहर आए तो उन लोगों ने क्या काम किया MIM को? वो आज अभी प्रेजेंट टाइम तकरीबन 100 से ऊपर आदमी इसी विधानसभा रामनगर का था जो जेल के अंदर हमने 16 महीने में उन लोगों के ऊपर मेहनत की। आज वही आदमी दूसरे के ऊपर मेहनत कर रहे हैं हमारी MIM पार्टी को बढ़ाने के लिए, वो लोग भी जो है अपना खून पसीना जो है बहा रहे हैं। और आज जेल के बाहर निकलने के बाद हम जमीनी स्तर पे जो है बहुत तगड़ी अपनी जो है संगठन अपना तगड़ा संगठन तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है फाइट है और इंशाल्लाह हमारी विधानसभा नंबर 1 पे जाएगी जिले में। इतनी तकलीफें क्यों सही हैं आपने AIMIM के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो है गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। मुसलमान को तो सिर्फ एक ही पुग्गा पकड़ा दिया गया तो कि तुम जो है भाजपा को हराओ। तो मुसलमान उसमें जो है 15-20 साल से बहका पड़ा है कि मुसलमान को सिर्फ एक ही मकसद है कि BJP को हराओ। मुसलमान BJP को हराता चला गया और हमारा भाई रोड पे धक्के खा रहा है, जूते खा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं फर्जी जो है सरकार उठा के NDPS और कैसे कैसे फर्जी मुकदमे लगा के मुसलमानों को टॉर्चर करके जेल में डाल रही है, उनका भविष्य खराब कर रही है। हमें लगा कि मजलिस जो है बहुत अच्छी पार्टी है और हम लोगों को ताकत कर लगानी चाहिए और इसी की सरकार बनानी चाहिए। और इंशाल्लाह मेरा ये मानना है कि जिस दिन
मजलिस की सरकार अगर भारत के अंदर बनी तो नंबर वन पे सरकार चलेगी और ये जितनी डुप्लीकेट पार्टियां हैं सब हाथ धो के भाग जाएंगी यहाँ से। आप देख सकते हैं जो कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी पार्टी के लिए जेल तक गए। अच्छा ये बताइए कि आप समाजवादी में थे जी, तब अच्छी जिंदगी जी रहे थे, AIMM ज्वाइन करने की वजह से BJP वो उसमें जेल में जाना पड़ा। बिल्कुल, तो आप जो है क्यों आए? भाई समाजवादी में थे, वहाँ 200-500 रुपए का काम चल मिल जाता था, 500 मिल रहे हैं, 200 मिल रहे हैं, उसमें अपनी जेब गर्म रहती थी। और जब हम इंसान शैतान से इंसान बने कि हाँ लगा कि कौम के लिए उठना चाहिए, तो हमने वो 200-500 रुपए के ऊपर लात मारा और हम अपनी कौम के लिए काम करने लगे। और जैसे ही कौम के लिए काम करना चालू किया, MIM पार्टी जो है मजबूती के साथ पकड़ा, हमको उठा के जेल में डाल दिए। लेकिन आज हमारे हौसले टूटे नहीं हैं और इंशाल्लाह ना टूटेंगे, और मरते दम तक मजलिस का जो है प्रचार प्रसार करेंगे और अपना संगठन अब से ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आपने काम किया जी, MIM पार्टी के लिए कभी डर नहीं लगा आपको? हम डरने वाली कौम ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह से डरते हैं, बाकी ना यादव जी से डरते हैं, ना योगी जी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग को मौत और जेल का डर नहीं है। पुलिस जो है किसी के साथ कुछ भी कर सकती है जेल के अंदर, आपने तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि जो है हम जेल के अंदर पुलिस के अलावा कोई नहीं है और पुलिस कुछ कर देगी तो किसी कुछ पता नहीं चलेगा, तो आपके दिल में कभी ये नहीं आया? पुलिस की कोई औकात नहीं कि हमारे साथ कुछ कर दे, करने और धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। पुलिस वालों का काम जो है वो अपना करते रहेंगे, करें, हमसे उनसे मतलब नहीं है। हम कानून का जब भी उल्लंघन करें पुलिस आए हमको ले चले, इज्जत के साथ इंशाल्लाह जेल चलेंगे। जब आप जेल में थे तो उस वक्त आपका परिवार, क्योंकि आपने कहा छोटी बेटी, जी जी जी, तो उस वक्त परिवार पे क्या परिवार पे तो जो है हमारे बहुत जो है मुसीबत आई। हमारी बीवी जो है बहुत तकलीफ में हुई, क्योंकि 14 महीने हुए थे, 13-14 महीने शादी के, और 7 दिन की लड़की हमारी थी, तो उसने भी बहुत जो है संघर्ष किया। अपनी बीवी को भी इस माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि उसने जो है हमारा जितना भी साथ दिया और इंशाल्लाह आगे भी हमारा साथ दे रही है, और वो भी कोशिश कर रही है कि MIM पार्टी जो है आप छोड़िए मत, इसी में लगे रहिए और इसके लिए जो प्रचार प्रसार करिए, और अगर इस दरमियान अगर आपको मौत भी आ जाए तो कोई वो दिक्कत की बात नहीं। अपन इतना पागलपन क्यों? अपनी कौम को देख के भाई, 75 साल से तो मुसलमान लात घुसे खा रहा है, और भाई अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? अब जागने का टाइम है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं।